एहतसाब अदालत ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी स्कैंडल केस में एहसन इकबाल का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 3 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वजीर आजम पर इल्जाम आयद करते हुए कहना था कि इमरान खान ने FIA के जरिए नून लीग के दफ्तर पर डाका डाला, छापे के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। मुल्क में एहतसाब के साथ मजाक हो रहा है। के सेक्रेटेरिएट पे FIA के जरिए जो डाका डाला है, हमारे मिलियंस का मेंबरशिप रिकॉर्ड चुरा कर ले गए हैं, हमारा सारा पार्टी का रिकॉर्ड चुरा कर ले गए हैं। ये उतना बड़ा स्कैंडल है जितना अमेरिका में निक्सन का वाटरगेट का स्कैंडल था। और मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील करूंगा कि अगर पाकिस्तान में सियासी जमात का रिकॉर्ड महफूज नहीं है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंबरशिप की महफूज नहीं है, उसका पॉलिटिकल रिकॉर्ड महफूज नहीं है, ये तो वर्स्ट फैशिस्ट टैक्टिक है जो कोई हुकूमत कर सकती है, और इसके जिम्मेदार इमरान न्याजी हैं, और हम इसके लिए इंशाल्लाह ताला इनके खिलाफ कानूनी चारा जोई करेंगे सर।